शुद्ध रूप से तबलीगी जमात का तालिबानी जुर्म है। इस तरह के आपराधिक कृति को किसी भी तरह से न नज़रअंदाज किया जा सकता है और न माफ़ किया जा सकता है। जिस तरह से कितने लोगों की जिंदगियां, कितने लोगों की जानों को इन्होंने ख़तरे में डाला, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज पूरा देश जब एक स्वर में एकजुट होकर के इस कोरोना के कहर को ख़त्म करने के लिए, उसको परास्त देने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए एकजुट खड़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में इस तरह की ख़तरनाक सोच, इस तरह की ख़तरनाक आपराधिक चीज़ें, इसको हम एक नेग्लिजेंस नहीं कहते, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एक आपराधिक लापरवाही है। और लापरवाही हम नहीं, बल्कि इसको कहीं ना कहीं जो है वो जानबूझ करके इस तरह की चीज़ों को किया गया है। और ऐसे जुर्म को न माफ़ किया जा सकता है, न नज़रअंदाज किया जा सकता है। आज पूरा मुल्क जो है, आज इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान क्या किया है, खुद उन लोगों का किया है जिनके बीच में घूमे हैं। और वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिनको ये जो है वो तबलीग कर रहे थे। कितना बड़ा नुकसान किया है उन्होंने। आज सारे जहाँ जहाँ पर देश के दुनिया में जहाँ जहाँ ये घूमे हैं, सभी जगह पर लोग सस्पेक्टेड हो गए हैं, सभी लोग जो है संदेह के घेरे में आ गए हैं।